शिक्षक द्वारा जो है भगवान दुर्गा पर जो पोस्ट किया गया है वो क्या पूरा प्रकरण है बताएं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल 29 सितंबर 2019 दिन रविवार की घटना है। मैं अपने सोशल मीडिया फेसबुक को देख रहा था अपने मोबाइल पे, तो उसी समय मुझे एक पोस्ट दिखा दिनेश यादव उन्मुक्त के नाम का, कि जिनका पद लिखा था उनकी प्रोफाइल चेक किया तो पता चला कि उस पर लिखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। तो उस पोस्ट पे एक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने लिखा था कि जो हमारे इष्ट देवी हैं, चूँकि मैं नवरात्रि में 9 दिन का व्रत भी हूँ, और उसमें उन्होंने लिखा हमारी इष्ट देवी दुर्गा के बारे में कि आज महिषासुर का महिमा मंडन करते हुए लिखा कि आज महिषासुर और दुर्गा जी का जो है एक प्रकार से देखा जाए उनके ऊपर घोर आपत्तिपूर्ण शब्द कहते हुए कहा कि आज सुहाग रात का दिन है। और जैसा कि हमारा आस्था का विषय है, हमको बड़ा बुरा लगा और इतना मैं आहत हुआ कि उसी समय तुरंत मैं जो है सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री को ट्वीट किया, देश के कानून मंत्री को ट्वीट किया, और डीजीपी उत्तर प्रदेश को ट्वीट किया, यूपी पुलिस को ट्वीट किया और जौनपुर पुलिस को ट्वीट किया। बाद में जौनपुर पुलिस द्वारा ये बताया गया कि दिनेश यादव उन्मुक्त नामक व्यक्ति जो टिप्पणी को किया है और उसके ऊपर जो है आईपीसी की धारा 294, 295 ए और साइबर टेररिज्म यानी 66F आईटी एक्ट का मुकदमा जो पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रहने वाले कहाँ का है ये? नहीं देखिए, मुझे तो पता नहीं चला कि रहने वाले कहाँ के हैं। उसमें लिखा था असिस्टेंट प्रोफेसर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, और शिक्षा दीक्षा के बारे में देखा तो उसमें लिखा था कि टीडी कॉलेज में भी पढ़े हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी पढ़े हैं, बाकी और हमको जानकारी नहीं हो पाई वो कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता तो मैं उसके खिलाफ इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिल पाई हमें कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हाँ एक कल सूचना भी मुझे मिली थी कोई दिनेश यादव नाम का जो है व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, तो खुटन का दूसरा प्रकरण था यह प्रकरण, वो दिनेश यादव उन्मुक्त का प्रकरण, दोनों दिनेश यादव का प्रकरण अलग अलग है। तो हम चाहते हैं कि अगर दिनेश यादव उन्मुक्त की अभी तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनकी गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनके ऊपर जो आईपीसी के सेक्शन मुकदमा संख्या 539/19 और सेक्शन 294, 295 ए आईपीसी और 66F आईटी एक्ट का जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कार्रवाई चल रही है।